नमस्कार छात्रों, सेंट नॉर्बर्ट हाई सेकेंडरी स्कूल दमोह से मैं हिंदी शिक्षिका आज आपको कक्षा 8वीं का हिंदी विषय का वीडियो लेकर आई हूँ। यहाँ हम पाठ 1 भविष्यत कहानी का भावार्थ समझेंगे। यहाँ कुछ शब्दकोश में शब्द दिए गए हैं जिसके पहले मीनिंग देखते हैं। निज मीन्स होता है अपने, पूर्वी मीन्स होता है पहले, एक मीन्स होता है एकता, आलीक बेसिर पैर का या झूठा, विपत्ति कष्ट मुसीबत, पूर्वजों परदादा बाबा दादा या पुरखे, सांप्रदायिक मीन्स संप्रदाय का, रूढ़ियाँ मीन्स पुरानी प्रथाएं या कुरीतियाँ, सहाय मीन्स होता है सहायता मदद या मैत्री, व्यथा मीन्स होता है दुख। इस कविता के रचयिता हैं श्री मैथिली शरण गुप्त जी। यहाँ कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जिनके विषय में हम भावार्थ में समझेंगे। तब हम कविता का अध्ययन करते हैं। अब हम कविता का अध्ययन करेंगे। जिन बच्चों के पास स्वयं की पुस्तक है कृपया पुस्तक को खोलकर पंक्तियों पर ध्यान देंगे। किस भांति जीना चाहिए, किस भांति मरना चाहिए, सो सब हमें निज पूर्वजों से याद करना चाहिए, पदचिन्ह उनके यत्न पूर्वक खोज लेना चाहिए, निज पूर्व गौरव दीप को बुझने न देना चाहिए। यहाँ कवि कह रहे हैं कि हमें जीने मरने की कला अपने पूर्वजों से सीखनी चाहिए। हमारा यह प्रयास होना चाहिए कि हम अपने महापुरुषों द्वारा किए गए महान कार्यों के बारे में जानें और उनके दिखाए रास्ते पर चलकर अपने देश के गौरव और मान सम्मान को बनाए रखें। आओ मिले सब देश बांधव हार बनकर देश के, आओ मिले सब देश बांधव हार बनकर देश के, साधक बने सब प्रेम के सुख शांतिमय उद्देश्य के, क्या सांप्रदायिक भेद से है ऐक्य मिट सकता अहो, क्या सांप्रदायिक भेद से है ऐक्य मिट सकता अहो, बनती नहीं क्या एक माला विविध सुमनों की कहो। यहाँ कवि कह रहे हैं कि आगे कि इस देश के सभी नागरिक आपस में ऐसे मिलजुल कर रहें कि देश के कंठ में, कंठ मीन्स गले में पड़े हार की तरह सुशोभित हो। सभी का यह प्रयास हो कि देश में सुख शांति बनाए रखें और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम सभी मिलकर साधक बने। जिस प्रकार अलग अलग फूल गुथकर एक माला का रूप ले लेते हैं, उसी प्रकार धर्म संप्रदाय अलग अलग होने पर भी एक ही देश के वासी हैं और एकता के इस भाव को कोई बुरी ताकत मिटा नहीं सकती। प्राचीन हो कि नवीन छोड़ो रूढ़ियाँ जो हो बुरी, प्राचीन हो कि नवीन छोड़ो रूढ़ियाँ हो जो हो बुरी, बनकर विवेकी तुम दिखाओ हंस जैसी चातुरी, प्राचीन बातें ही भली है यह विचार आलीख है, जैसी अवस्था हो जहाँ वैसी व्यवस्था ठीक है। यहाँ कवि कह रहे हैं कि नई हो चाहे पुरानी हो, उन सभी बातों को त्याग दो जो बुरी हैं। किन बातों को त्यागना है? जो बुरी हैं और हमारे विकास की राह में बाधक बन जाती हैं। तुम विवेकी बनो और हंस के समान चतुर बनकर समस्याओं का समाधान करो। हंस जिस प्रकार दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है, उसी प्रकार तुम भी उस स्थिति में, मतलब परिस्थिति जैसी हो तो सही का सही और गलत का गलत करने की क्षमता रखो। मुख से न होकर चित्त से देशानुरागी हो सदा, मुख से न होकर चित्त से देशानुरागी हो सदा, है सब स्वदेशी बंधु उनके दुख भावी हो सदा, देकर उन्हें सहाय भरसक सब विपत्ति व्यथा हरो, निज दुख से ही दूसरों के दुख का अनुभव करो। यहाँ कवि कह रहे हैं कि केवल मुख से ही नहीं बल्कि मन से भी देश के प्रेमी बनो, देश से प्रेम करो, सभी देशवासियों को अपने समान समझो और उनके दुखों में उनके साथ खड़े रहो, उनकी यथासंभव सहायता करो और उनके दुखों को दूर करने का प्रयास करो।
अपने दुखों में दूसरों के दुखों का अनुभव करो और दूसरों को देखो और तभी तुम उनको समझ सकोगे। इस प्रकार कवि ने देश के प्रति समर्पण की भावना का वर्णन किया गया है। कविता की पंक्तियों को पुनः सास्वर वाचन करें और कविता का भावार्थ लिखकर, नीचे बोर्ड पर मैंने होमवर्क दिया हुआ है, पंक्तियों का भावार्थ कॉपी में लिखना है और उसको याद करना है। धन्यवाद।